नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हैं हमारे BRS स्पेशल यूट्यूब चैनल के साथ। आपको हम यह दृश्य दिखा रहे हैं बराछा एरिया का, सूरत बराछा एरिया, जो बहुत ही मानी जानी एरिया है। आज हम आपको ये लास्ट गाड़ी सरथाना से निकली हुई है खरवड़ नगर के लिए, वो गाड़ी का दृश्य दिखा रहे हैं। और ये कहीं मेला या बाज़ार का दृश्य नहीं है, ये BRTS कॉरिडोर, BRTS लेन जो रोड बना है, रोड के अंदर का दृश्य है। मेले के जैसा माहौल है यहाँ पे। और आपको बताते चलें कि यहाँ पे लोग 8:30 बजे के बाद पूरा रेलिंग में चलना प्रारंभ कर देते हैं, और आए दिन यहाँ पे ड्राइवरों से मारपीट और ड्राइवरों का मोबाइल छीन लेना, पर्स छीन लेना, ड्राइवरों से गाली गलौज करना, ये काम यहाँ के लोगों का होता रहता है हमेशा। और इस पर हमने आज सिटलिंग के अधिकारी से बात की, उन्होंने बताया कि ये हमारे बस की बात नहीं है कि पब्लिक को रेलिंग से बाहर निकाल पाएँ। यहाँ की पब्लिक कुछ मानने के लिए तैयार नहीं होती। यहाँ BRTS के लिए स्विंग गेट लगाया गया है, और वो स्विंग गेट को भी ये तोड़ देते हैं। आप ये नाइट का दृश्य है, आप वो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पैदल चलने वालों के साथ साथ में देखेंगे तो बाइक वाले, कार वाले और नाइट वॉक करने वाले पूरे रोड पे चलते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई अगर इन परिस्थितियों में कोई भी दुर्घटना व्यक्ति रेलिंग के अंदर या अचानक गाड़ी के सामने आता है, तो यहाँ की पब्लिक ड्राइवर से गाली गलौज मारपीट करने के लिए उतारू हो जाती है, और अक्सर करती ही रहती है। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो परिस्थितियों में गाड़ी चल रही है, मेले जैसा माहौल यहाँ पे हो जाता है रात में, तो कृपया इस पर प्रतिबंध लगाएं। और 10 बजे तक सभी गाड़ियाँ क्लोज हो जाती हैं, तो 10 बजे के बाद आम पब्लिक के लिए ये रोड को फ्री कर दिया जाए, नहीं तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना बन सकती है यहाँ पे, और उसका जवाबदार कौन होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी रोड के अंदर चलते हैं, और ये आप देख सकते हैं बाइक वाले किस तरीके से रोड को जाम करके रखते हैं पूरा, और यहाँ पे परेशानियों का अंबार। साइकिल गाड़ी के सामने सामने चलाते हैं, यहाँ पे साइकिल वाले गाड़ी को जाने के लिए पास नहीं देते हैं। ये विशेष परिस्थिति में यहाँ पे गाड़ियाँ ड्राइवर चलाते हैं, रोजी रोटी का सवाल है उनके, लेकिन ये पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा अगर 1 घंटा आधा घंटा रुक जाए पब्लिक तो कोई दिक्कत नहीं होती, और गाड़ियों को आने जाने में थोड़ा सुविधा हो सके। मेरी ये जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया बस को टाइम टू टाइम और सही ढंग से चलने दें। ये आपकी बस है, आपकी सिटी बस है, आपकी सेवा के लिए ये आपको समर्पित की गई है। कृपया इस कार्य में आप सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सिटलिंग और प्रशासन की मदद करें। अगर हो सके तो आप सहयोग करें और दूसरों को भी गाड़ी को सुचारू ढंग से चलने में सहयोग करने की अपील करें। धन्यवाद।